हेलो गाइस, चलिए आज वर्डेड प्रॉब्लम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और बेस्ट बात क्या है पता है, आज की आज के वर्डेड प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल होने वाले। ठीक है, तो पहले अपन एक टर्म समझते हैं, कॉन्सिक्यूटिव। क्या है नाम? कॉन्सिक्यूटिव। बेटा ये आप जानते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब आगे पीछे वाले नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 6, या 100 एंड 101, या 55 एंड 56। ये आगे पीछे वाले नंबर्स, इनको हम लोग क्या बोलते थे? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो अगर मेरा एक नंबर है 8, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है? उसका नेक्स्ट नंबर होता है 8 + 1, जैसे कि हम बोलते हैं 9। या अगर तो 99, तो नेक्स्ट नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर में क्या हो जाएगा? 99 + 1, विच इज 100। ये चीज़ पता है आपको? तो वैसे ही अगर मेरा एक नंबर है x, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है? x + 1। उसका नेक्स्ट नंबर और क्या होने वाला है? थर्ड नंबर x + 2। उसके बाद क्या होगा? x + 3। समझ आ बेटा, ये बेसिक सी चीज़ है पक्का। जैसे 4 तो 5, फिर 6, या 95 96 97, तो वैसे ही है ये x, x+1, x+2, और आगे बढ़ते हैं x+3 भी मैं बोल सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग। सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 21, फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 21, फाइंड द नंबर्स। ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, तो नेक्स्ट वाला फिर आप खुद से करिएगा। पहले तो अपन लोग वही अपना डिक्लेयर कर देते, क्या? लेट द नंबर्स बी, यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स, फिर हैंस द नेक्स्ट नंबर x+1 की जगह दोनों नंबर्स एक साथ डिक्लेयर करता हूँ। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड x+1, या लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एंड x+1। ये अपने डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन बनाऊंगा तो एक्स, मेरा ये नंबर था, प्लस ऑफ x+1। ये देखिए, इनको ना एक ब्रैकेट में डाल दिया करिए आप जान पूछे, आपको आगे समझेगा क्यों हुआ था। अभी के लिए ब्रैकेट में डाल दो, जो नंबर्स है उसको ब्रैकेट में डाल दो। अब तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड x+1 ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस ऑफ x+1 कितना हो गया मेरा? 21 हो गया। अब मैंने ब्रैकेट खोला, ठीक है, x+1 इक्वल टू 21। ये 1 को इधर भेज दूंगा मैं, तो देखिए 2x = 21 - 1, यानी 2x = 20। तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 20/2, विच इज इक्वल टू 10। तो अपने नंबर्स क्या हो गए सर? देखो, x की वैल्यू तो मेरी 10 हो गई है, बट मेरा दूसरा नंबर क्या था बेटा? दूसरा नंबर मेरा x+1 था। तो फिर मेरे x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 11। 10+1 11, विच इम्प्लाइज द टू नंबर्स आर 10 एंड 11। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ये, और साथ में अगर दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो मेरा 21 आंसर भी आ रहा है। 10 + 11 = 21। समझा क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 21। आपको दो नंबर्स ढूंढना था, तो आपने पहले ही बोले लेट द टू नंबर्स, या लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी एक्स एंड x+1, तो दोनों को ऐड किया, इक्वल टू 21 किया, अपना आंसर आ गया। समझा क्या हुआ है? फट से क्वेश्चन था, आपने कॉपी कर लिया था, आंसर देखना है, छापना नहीं है बेटा, खुद से ही करना है। तो एक बार कर लीजिए बेटा, पॉज करके आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको खुद से पहले ट्राई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 48, फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर्स। बेटा एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसे ही, सिर्फ इस बार तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक्स, x+1 x+2, परफेक्ट। फिर तीनों को ऐड करके इक्वल टू 48 करना, और एक्स की वैल्यू निकाल देना। प्रॉपर स्टेटमेंट डिक्लेयर करना है, फाइनल आंसर भी लिखना है बेटा, वो गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे करो पॉज और ऐसा कर लो फटाफट सॉल्व बेटा। चलिए देखते हैं हम लोग, लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बी, लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बी एक्स, x+1 x+2। ये तीन नंबर्स हो गए मेरे। अब थ्री नंबर्स भी लिखते तो भी चलता है, बट थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखना बेटर है, थोड़ा और अच्छा लिखता है वो। उनका सम यानी कि एक्स, x+1 x+2 इज इक्वल टू 48, x+1 x+2 इक्वल टू 48। कई बच्चे सोचे गए सर ये आप ब्रैकेट क्यों डाल रहे हो, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये देखिए, ये तीन ऐड हुए तो हो गया 3x, और ये ऐड हुआ तो +3 इज इक्वल टू 48।
ये 3 को मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया है, तो 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 3, ये ओवरली कर ले काम कर, 48 माइनस 3 कितना हुआ, 45 हुआ है, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट है 45 लिख सकते हो। नहीं पर अगर आपको लिखना है 48 माइनस 3 तो वो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 45 अपॉन 3, जिसकी वैल्यू काट कूट के कितनी हुई 15, तो इम्प्लाइज हमारी एक्स की वैल्यू 15 हो गई है, तो एक्स प्लस 1 जो नेक्स्ट नंबर था 16 हो गई है, और एक्स प्लस 2 जो उसके बाद वाला नंबर था वो 17 हो गई है। मतलब हमारे तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए, 15 16 17 हो गए। आई होप आपका आंसर मैच किया था, ठीक है तो वो लिख लेता हूँ, इम्प्लाइज द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर क्या क्या है, 15 16 एंड 17। सिंपल सिंपल करोगे खुद से, चलिए जिन लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ था वो पॉज करो और फट से खुद से कर लो बेटा। चलिए अब थोड़ा सा मतलब अलग पैटर्न के ऊपर जाते हैं बेटा। अभी हमने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात की, मतलब क्या बात किया कि 5 है तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर 6 है, अगर 8 है तो नेक्स्ट 9, फिर नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 11, ऐसा हमने बात किया। अब कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं, मतलब कोई भी इवन नंबर सोचो, मान लो आपने सोचा 6, तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, फिर नेक्स्ट कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब आपने इस बार कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है, तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर से मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मेरा नंबर x है तो उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या रहेगा, x प्लस 2, उसके बाद का नेक्स्ट इवन नंबर क्या रहेगा, x प्लस 4। समझा कैसा है, उसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने 8 लिया था तो नेक्स्ट इसमें 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 करूँगा, फिर उसमें नेक्स्ट इसमें 8 प्लस यानी 10 प्लस 2 या फिर 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 करूँगा, यही चल रहा है बेटा मेरा पक्का से। अब देखो ये हो गया इवन नंबर्स का, अब ऐसे आप सोचो तो ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या होगा बेटा, प्लीज सोचिए एक बार फट से सोचो बेटा। बहुत चांस है आपने ये चीज़ सोची होगी सर, x x प्लस 1 x प्लस 3, तो ये है गलत। सर कैसे बेटा, आप एग्जांपल से सोचते, चलो आप कोई भी एक रैंडम ऑड नंबर सोचो, कोई भी रैंडम ऑड नंबर 5, नेक्स्ट नंबर क्या है उसका इवन, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा उसका कॉन्सिक्यूटिव में 7 है, आपने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, देखिए 5 था तो उसमें आपको क्या ऐड करना था, 2, तब आप 7 पे पहुँचे, फिर और ऐड करना था 2, तब आप 9 पे पहुँचोगे। बेटा देखो इवन हो या ऑड हो आपको ऐड 2 2 2 2 ही करना पड़ेगा, क्यों, देखो आप ऑड पे हो 5, एक ऐड करोगे तब इवन पे पहुँच जाओगे, तब आपको डबल ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 7। तो ऑड नंबर्स में भी एक्स नेक्स्ट होता है एक्स प्लस 2, तो उसके बाद एक्स प्लस 2 प्लस 2 यानी एक्स प्लस 4 होता है, सॉरी एक्स प्लस 4 होता है, ये इवन हो या ऑड हो दोनों की दोनों इसमें ऐसे ही चलते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, कुछ नहीं, पहले एक बार ये पॉज करके हेडिंग दे देना कॉन्सिक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर्स के, और ये चीज़ को लिख लीजिएगा बेटा। चलिए अब क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन सिंपल सिंपल से ही हमारे, हर एक क्वेश्चन पहले मैं आपको सॉल्व करने का दूंगा मौका, आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा मुझे पता है। लिखिए सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 50, फाइंड द नंबर्स, कुछ नहीं करना है, दोनों कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स तो क्या लोगे x एंड x प्लस 2, दोनों को ऐड करना इक्वल टू 50 करना, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही x आए तो x प्लस 2 की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉज करके बेटा इतना चीज सॉल्व कर लीजिए फटाफट। चलिए आंसर लिखते हैं, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स भी क्या क्या है x एंड x प्लस 2। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूँ, आपको जब लास्ट क्वेश्चन करूँगा तब समझ में आएगा, इसलिए प्लीज लास्ट क्वेश्चन तक आप करते रहिए सर। तब देखिए इसके कारण क्या हो गया, x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 50, ब्रैकेट खोला x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 50, तो x और x ऐड हो गया कितना हो गया 2x, ये प्लस 2 को वहाँ भेजा, 50 माइनस 2 कितना हो गया 48, सर x की वैल्यू कितनी हो गई 48 अपॉन 2 कट पिट के 24 आ गया, x की वैल्यू 24 आ गई मेरी, तो सर नेक्स्ट वेरिएबल क्या था मेरा x प्लस 2 था, तो वही लिख रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज x प्लस 2 की वैल्यू 24 प्लस 2 है 26 हो गई, तो इम्प्लाइज द 2 कॉन्सिक्यूटिव
इवन इंटीजर्स आर क्या क्या है, 24 एंड 26, खत्म। सिंपल डिंपल है, समझ रहा है सब कुछ क्या हो रहा है लाइफ में। तो बेटा इसको करो अगेन पॉज, जिन लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ था, और कर लो फटाफट इसको सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको खुद से करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 36, फाइंड द नंबर्स। कैसे करोगे, पहले दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, एक्स एंड एक्स प्लस वन होता है क्या, एक्स एंड एक्स प्लस टू ही होता है। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस टू, ब्रैकेट में डाल दिया बेटा। अब दोनों को ऐड करो तो एक्स प्लस टू की वाली कितनी हो गई हमारी, 36, ब्रैकेट खोला, एक्स प्लस टू इक्वल टू 36, ये दोनों एक्स एक्स ऐड हो गए, 2x हो गया, 2 को वहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये 34 हो जाएगा। उसके कारण एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 17, तो एक्स की वैल्यू 17 हो गई है, तो एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। जैसे मुझे एक्स एंड एक्स प्लस टू की वैल्यू मिल गई है तो मेरे को दोनों नंबर्स मिल गए, इम्प्लाइज टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर 17 एंड 19। सिंपल है ना अभी तक के लाइफ, बढ़िया बेटा करना है इसको पॉज, जिनका आंसर नहीं मैच हुआ था वो करेंगे इसको सॉल्व। चलिए अब वैसे ही अपन लोग एक क्वेश्चन थ्री कॉन्सिक्यूटिव का ले लेते हैं, इवन हो या ऑड हो, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर ही चलने वाला है। चलो अपन लोग ऑड ले लेते हैं, ठीक है, सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 39 फुल स्टॉप, फाइंड द नंबर्स। ट्राई करो बेटा खुद से, क्या लेंगे, तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री मत लेना बेटा, गलती हो जाएगी। क्या लोगे आप, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है बेटा, पॉज करो इसको फटाक से और सॉल्व करो इसको अच्छे से। चलिए लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बी एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 39, तो तीनों एक्स मिला के 3x हो गया, ये टू और ये फोर मिला के होगा कितना, प्लस सिक्स इज इक्वल टू 39, तो 3x की वैल्यू 39 माइनस सिक्स 33, तो एक्स की वैल्यू 33 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11, तो मेरे एक्स की वैल्यू 11 हो गई है, तो एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 एंड एक्स प्लस फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। मेरे तीन नंबर कौन से आ गए, गाइस द थ्री नंबर्स आर 11 13 15। सिंपल, तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की वैल्यू क्या क्या हो गई है, 11 13 एंड 15, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, देखना है, चलो देख लेते एक बार। देखिए 15 13 11 ये हो गया 9, ये तीनों का ऐड किया हो गया 3, हो गया 39। समझा बेटा पक्का, चलिए मान दीजिए अगर आपका आंसर नहीं आया था तो प्लीज़ अच्छे से इसको एक बार सॉल्व करना है। अब बेटा जैसे हमने इवन और ऑड का देखा, वैसे हम लोग कोई नंबर के मल्टीपल का देखते हैं, सर मतलब मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 9 देख रहे हैं, मतलब समझा नहीं, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9, कोई भी एक 9 का मल्टीपल सोचो, मे बी आपने सोचा सर 27, अब इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या होने वाला है, सर 9 प्लस 9 करें हमारे 36 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या होने वाला है, 45 हो जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, प्लस 9 किया यहाँ पे भी, प्लस 9 यहाँ पे भी किया, तो अगर मेरा एक नंबर x है तो उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 क्या हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला मल्टीपल ऑफ 9 क्या हो जाएगा, x प्लस 9 प्लस 9 मतलब x प्लस 18 हो जाएगा। ये मैंने किसका लिया है, मल्टीपल ऑफ 9, ये अगर मल्टीपल ऑफ मान लीजिए 5 देता हूँ तो x, फिर नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 5, फिर उसके बाद वाला हो जाएगा x प्लस 10। ये अगर मैं कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 लेता हूँ तो x x प्लस 4,
एक्स प्लस एट, एक्स प्लस ट्वेल्व, ऐसा बढ़ सकता हूँ आगे। समझ में आ रहा है चीज़ें क्या हो रही है? पक्का? तो चलिए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, नहीं सही, सॉरी 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 सॉरी, फाइंड नहीं है, हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में। देखिए द नेक्स्ट टू, द नेक्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ फाइव आफ्टर एक्स माइनस वन आर स्पेस एंड स्पेस। कुछ समझा नहीं होगा पर आप टेंशन मत लो। देखो आपको मैंने क्या बताया था, आपका जो भी नंबर है, मान लो ए नंबर है, आपको नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ फाइव चाहिए है, तब इसमें क्या करते थे, फाइव ऐड करते, फिर उसके बाद वाला चाहिए तो इसमें और फाइव ऐड करते ना, ए प्लस फाइव प्लस फाइव, जैसे हम ए प्लस टेन लिखते थे। तो वैसे ही अगर ये अब ए को मैं कुछ मान लीजिए बोल रहा हूँ एक्स माइनस वन है, तो इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ फाइव क्या होगा, इसमें मैं फाइव ऐड कर दूंगा, एक्स माइनस वन प्लस फाइव, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी एक्स प्लस फोर। फिर अब मैं क्या करूँगा, इसमें और फाइव ऐड कर दूंगा, मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर प्लस फाइव, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी एक्स प्लस नाइन। समझा? हो सकता है नहीं समझा, एक बार समझा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, अगर मेरा नंबर है ए, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ फाइव, सॉरी इस नंबर में फाइव ऐड कर दो, जो भी नंबर दिया उसमें फाइव ऐड कर दो, उसके बाद वाला क्या होता है उसमें और फाइव ऐड कर दो, यानी ए प्लस फाइव प्लस फाइव, जो कि जाता है ए प्लस टेन के बराबर। समझा? तो अभी अपन लोग क्या देख रहे हैं, अगर यही अगर मेरा नंबर स्टार्टिंग नंबर में एक्स माइनस वन है, जो कि फाइव का मल्टीपल है, तो मैं नेक्स्ट फाइव का मल्टीपल क्या होगा, इसमें मैं फाइव ऐड करूँगा ना एक्स माइनस वन प्लस फाइव, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस फोर। फिर इसमें वापस मैं और फाइव ऐड कर दूंगा एक्स प्लस फोर प्लस फाइव, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स प्लस नाइन। समझा आपको? ये यहाँ का आंसर क्या हो गया मेरा, ये आंसर हो गया मेरा एक्स प्लस फोर एंड एक्स प्लस नाइन। समझाइए बेटा प्लीज़, एक क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हो यहाँ से, अगर मैंने कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सेवन बोला है तो आप लेंगे x एंड x प्लस सेवन, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट बोला है तो क्या रहेगा x, x प्लस एट और x प्लस सिक्सटीन। समझाए? चलिए ठीक है, फट से क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ। क्वेश्चन ये है, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, मैंने डायरेक्टली थ्री लिया ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ एट इज 216, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, द कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट इज 216, फाइंड द नंबर्स। आपको क्या करना है, तीनों में पहले मल्टीपल्स कौन से रहेंगे, एक्स, एट एक्स नहीं रहेगा बेटा, गलत मत समझो, एक्स प्लस एट होता है, कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ एट अगर पहला एक्स है तो होता है एक्स प्लस एट, एट इंटू एक्स नहीं, एक्स प्लस एट, और उसके बाद वाला क्या जाएगा एक्स प्लस सिक्सटीन। ठीक है, तो इसको करो यहाँ पे पॉज और एक बार सॉल्व कर लो। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट बी, करेंगे सर एक्स, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस सिक्सटीन, अच्छा इनका सम यानी कि एक्स, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस सिक्सटीन कितना आ रहा है सर हमारा, 216 दिया हुआ है। ठीक है, तो सर अब कितना हो गया ये एक्स प्लस, एक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू 216 हो रहा है। तो ये तीनों एक्स ऐड हो गए 3x हो गए, 8 और 16 ऐड हो गए 24 इक्वल टू 216 हो गए, 3x इज इक्वल टू 216 माइनस 24 कितना हो रहा है बेटा, वो हो रहा है आई थिंक 192 के बराबर। ठीक है, तो फिर मेरा x इतना हो जाएगा 192 अपॉन 3 हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच 64। समझा ये चीज़ पक्का? अब देखिए अगर x 64 तो x प्लस 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और x प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 80। मेरे तीन नंबर्स कौन से हो जाएंगे, थ्री नंबर्स आर कौन से हमारे 64 72 एंड 80। समझ आए नहीं चीज़? कुछ नहीं, तीन कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ने x, x प्लस 8 एंड x प्लस 16 लिया गया है। ठीक है, चलिए ये सॉल्व कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी बात कर रहा था मैं आपसे। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं आपको ब्रैकेट का मतलब समझेगा क्या हुआ है। क्वेश्चन लिखिए, आपको आंसर खुद से नहीं करना, मैं आपको सिखाऊंगा, पर क्वेश्चन लिखिए।
थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 4, and 5 respectively, they add up to 74. Full stop. Find these numbers. पहले तो बेटा एक काम करो, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो. आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पॉज करके आपको क्वेश्चन पढ़ के, बस क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं जितना आप समझ सकते हो उतना समझना है, फिर मैं समझाऊंगा बच्चा हुआ आपको. देखिए वो क्या बोल रहा है, तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए अपने तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से है, मान लीजिए फाइव सिक्स सेवन है. मान लीजिए तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं मेरे, ठीक है. उसने क्या बोला है, इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, ठीक है. रख लिया, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, और आखिरी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो. ऐसा उसने बोला, समझा. अगर मान लीजिए ये तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मेरे होते, मान लीजिए 10, 11, 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई करो, और आखिरी वाले को आप 5 से मल्टीप्लाई करो. ऐसा वो कह रहा है, ठीक है. तो चलो अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहले तो हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बी. क्या करेगा सर, x, x प्लस वन, x प्लस टू, ब्रैकेट में. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है बेटा, देखो सबसे छोटा x, फिर x+1, फिर x+2, ठीक है. फिर उसने क्या बोला है, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए, तो पहले वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर ऐड करना था किस किस चीज़ से, दूसरे. चलो एक बार बस अपन मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया है मैंने 4 से, और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, और उसने क्या मांगा है, इनका सम. तो इन सब का, ये इसका, इसका और इसका सम कितना हो रहा है मेरा बेटा, इक्वल टू 74 हो रहा है, ठीक है. बन गई इक्वेशन. अब मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 × x 3x हो गया. अब ये 4x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखा 4x+4. अब देखो अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाते तब x+1 × 4 लिखते, तब का 4x+4 नहीं, आपका तब x+4 हो जाता, जो कि हो जाता गलत. तो क्या प्लस, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या 5x+10 = 74. चलो एक और बार देखते, हो सकता है आपको नहीं समझाओ. देखो उसने अपने पास क्या बोला है, पहले वाले को इंटू 3 करो, दूसरे वाले को इंटू 4 करो, आखिरी वाले को इंटू 5 करो, और जो भी है तीनों को ऐड कर दो. समझा वो चीज़ क्या करना है अपने को, वही चीज़ मैं इक्वेशन में कर रहा था बेटा. पहले वाले को इंटू 3 किया, दूसरे वाले को इंटू 4 किया, और आखिरी या तीसरे वाले को इंटू 5 किया. उसने तीनों को ऐड करने वाला था, तो ऐड किया, इक्वल टू 74 कर दिया. फिर क्या है, फिर तो ओपन करना है इसको, तो ये जगह 3x+4x+4+5x+10. बेटा ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वैसे ही बेटा, ठीक है ना, गलती मत कीजिएगा. दिस इज इक्वल टू 74. ये 3x+4x+5x कितना हो रहा है, ये हमारा, ये हो रहा है हमारा 12x. तो 4+10, तो वो कितना हो रहा है हमारा, हो रहा है 14. इज इक्वल टू 74 है, तो सर 12x इज इक्वल टू 74 − 14 यानी 60 हो गया. तो x इज इक्वल टू 60/12, कटा 5 हो गया. जैसे x 5 आ गया, हमारे दूसरे नंबर से आते हैं x+1 and x+2, तो वो क्या क्या हो जाएगा, 6 and 7 हो जाएंगे. प्लस x+1 की वैल्यू हो जाएगी 6, x+2 की वैल्यू हो जाएगी 7. तो हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर 5, 6 and 7. बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो से नहीं समझा तो एक और बार वीडियो देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. पूरा वीडियो नहीं, बस इतने से क्वेश्चन का वीडियो देखे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है. पहले तो आप इसको अच्छे से फिर सॉल्व भी कर लीजिएगा, या पॉज करो और इसे प्लीज़ प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए. चलिए गाइस, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बट ऑब्वियसली उसके पहले आपको होमवर्क प्रॉपरली करना है, ठीक है. चलिए बाय बाय बेटा.